हमारे पास जो है ना एक चीज होती है मास्किंग, ठीक है ना। मास्किंग मुझे आप में से कोई पीछे वाला कोई बताएगा भाई मास्किंग क्या होती है? और भाई और कोई बताए पीछे से, पीछे से, पीछे से। मास्किंग, व्हाट इज मास्किंग? शेप के अंदर चीज लेता है। फिर आपने बोला कि वो शादियों में जैसे होता है कि खराब सी कुर्सी हो तो उसको ऊपर कुछ चढ़ा दो, कुछ चीजों को दिखाना और अनवांटेड चीजों को छुपा देना। नहीं, गैर जरूरी चीज को छुपा देना, डिलीट नहीं करना, आसान अल्फाज, ठीक है ना। जो चीज आप चाहते हैं सिर्फ उतनी चीज दिखाना, बाकी चीज को छुपा देना बगैर डिलीट किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में अगर ये के जैसे कि कोई मेहमान वगैरह आता है, अगर हमारे सोफे का जो है वो कपड़ा फटा हुआ होता है ड्राइंग रूम का, तो हम सोफे को उठाकर बाहर नहीं फेंक देते। हम क्या करते हैं, सोफे को रहने देते हैं और कपड़ा चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, चादर चढ़ा देते हैं खूबसूरत सब, तो सारी केसिंग गादी ऊपर चढ़ जाती है, तो चीज क्या चुप जाती है। तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम किसी चीज को डिलीट ना करें, मास्क कर दें, खत्म ना कर दें, उसको हम रहने दें, उसको हम सिर्फ छुपा दें। वो चीज आसान अल्फाज में होती है मास्किंग। मास्किंग आप अगर एक डिजाइनर और एनिमेटर हो, आप सबको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, चार लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए, पूरी क्लास को मालूम होना चाहिए। टीचर मास्किंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएस में भी, एआई में भी, हर चीज में आपको मास्किंग। तो अब यही मास्किंग जो है ना हम यूज करेंगे, बड़ा अच्छा सा एक मेरे पास एक रिकॉर्ड हुआ है। पहले तो आप ये देखिए कि मेरे पास रिकॉर्ड क्या हुआ है, एक मूवी एक वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड हुई थी। नहीं याद रखना पड़ता है वरना इंसान परेशान है। सारे फोल्डर्स हैं और सर मैं वो ये भूल में तब जाऊं जब कोई और बनाए फोल्डर। जब मैं बनाता हूं ना तो वाले मुझे एक महीने बाद जब मैं बैठा था तो थोड़ा सा हो रहा था मैं यहां इतना भूल जाता हूं। अच्छा भाई एक वीडियो है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, ये हमारी ऑफिस के अंदर जो है ना, ये बहुत पुरानी वीडियो है, शायद 4-5 साल पुरानी होगी। ये मैंने इनकी रिकॉर्ड की थी और इनको मैंने कहा था कि भाई आपने बेसिकली इसका तरीका ये है कि मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ था, मोबाइल फोन वाला ट्राईपॉड, और मैंने मोबाइल फोन से उसको रिकॉर्ड किया था। इनको मैंने कहा है कि भाई अभी आपने जो है ना वो यहाँ बैठे रहना इस जगह पर और मोबाइल यूज करना है, और आपने सपोज ये करना है कि इस सीट पर कोई और बंदा बैठा हुआ है और उससे आपने मोबाइल यूज करते करते बात भी करते रहेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये करेंगे, ये बात आपसे करेंगे? नहीं नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं, ये उससे बात कर को देख रहे हैं जैसे कि वो बात कर रहा है, सुन रहा है, नहीं मतलब तवज्जो देता है किसी को। ये इन्होंने किया, मैंने इनको बोला यू नहीं यूज़ रहा एक्सप्रेशन दो यू ना, हाँ ये इतना अच्छा। फिर अभी इनको मैंने मोबाइल ले लिया, इनको गिलास दे दिया खाली, जिसको इन्होंने पानी पिया जिसमें से गिलास खाली है। अब ये इस वाले बंदे से बात करेंगे, मैंने शॉट भी एक ही रखा हुआ है और मैंने अपना ट्राइपॉड भी नहीं हिलाया, कैमरा भी नहीं हिलाया, ठीक है। अब ये उससे बात कर रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने क्या चीज बना दी, हमने ये बना, ये ही होती है मास्किंग सर। वो कुदूसी साहब की बेवा या डबल करेक्टर जो वो क्या है, वो यही होता है, ठीक है। ये अभी इससे बात किया इसने तो ये इसको सुनेगा तो बोलेगा जो भी है, लेकिन इसके मैंने टाइमिंग्स, हाँ मैंने वही अगला पॉइंट था कि मैंने क्योंकि इन डिटेल मेरा एक टॉपिक नहीं है, मैंने एक टेक्निक समझाने के लिए आसानी के लिए वीडियो रिकॉर्ड की। आप करेंगे तो आपके लिए, अगर आप प्रोफेशनली चाह रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपको पास स्क्रिप्ट होना चाहिए कि भाई कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, कितनी देर ये बैठ रहा है, लेगा, हाँ। ये कितनी देर बैठ रहा है, कितने सेकंड्स का स्टॉप बहुत साथ चल रही होती है, और बहुत सारे बेटा टीचर की बात है सर। आजकल जो वो बच्चे भी काम में जाते हैं फिर वो समझ नहीं पाते, मतलब जो वीडियोस बना रही होती है सर काम की बात है, वैसे खड़ी भी होती हैं और वो हमने फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया,
डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मगर एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। एसओपीज का जो है ना, आपने किसी भी फील्ड में हो, आपने एसओपीज का ख्याल ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार उसको यार, अच्छा ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे अपने ऑफिस के अंदर भी आपको नया लड़का कभी आया हुआ होता है तो पुराना बोलता है यूं ही यूं लेकर आता, मैं इसको मना करता हूँ कि यार देखो जिसको जिस तरीके से लेकर आना है ना, लंबा तरीका भी कर रहा है ना वो, करने दो क्योंकि उसका एसओपी है, सेट हो गया, उसका दिमाग सेट हुआ कि यार मैंने करी थी यहीं लेकर आनी है और फिर यहीं से लेकर जानी। तो जिस तरह से मेरी एक आदत है, मैं कभी भी कंट्रोल एस नई फाइल में दबाता ही नहीं, मैं वहाँ आने कंट्रोल एस दबाऊंगा तभी मुझसे पूछेगा कहाँ सेव कर, मगर मेरी आदत ऐसी बनी हुई मैं हमेशा कंट्रोल शिफ्ट एस ही दबाता हूँ, मेरी आदत मैं आपको बताता हूँ। दूसरी मेरी आदत क्या है कि मैं हर चीज़ कैपिटल लेटर में लिखता हूँ कंप्यूटर के अंदर, ये मेरी अंदर आदत है। अच्छा मोबाइल के अंदर मैं टाइपिंग करूँगा तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हर वर्ड का पहला लेटर जो है ना मैनुअली मैं कैपिटल लिखता हूँ, ये सबकी आदत होती है। तो अपनी एसओपीज बनाएं, आपका जो अंदाज है काम का उसको आप उस अंदाज से चलाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, अब मैं आपको एक कहानी, कुछ जो है ना चीज़ें मुझे बेसिकली पहले जो ना ये ड्रामे शामे का बड़ा एक जमाना है जाहिलियत के अंदर, मुझे बड़ा शौक था। एक दो ड्रामे भी थे मुझे याद भी नहीं है वो अब कौन से थे, एक ERY पता है, एक जियो पता, उसमें मैं एज अ एक्स्ट्रा एक्टिंग करने भी दिया था, पीछे मेहंदी का फंक्शन था उसमें मैं डांडिया शांडिया खेल रहा था, मेरा नाम भी याद थी, वो ऑन एयर भी हुआ था, मुझे बहुत शौक था। मैंने ये बड़ा शुरू से ना मैं इन चीज़ों के उसमें था यार ये क्या करते हैं, कैमरा कैसे चलता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने शायद देखा होगा किसी मूवी के अंदर या उसके अंदर के शूटिंग के दौरान जो ना वो एक इतना एक प्ले बटन टाइप का होता है, उसको वो ऊपर से यूँ करता है, कट करता है और वो मुँह से कहता है कि भाई शॉर्ट 4 टेक 2। अब बेसिकली शॉर्ट और टेक में क्या फर्क है, ये पहले था तो आपके जहन में आ जाना चाहिए थी ना, और ये ऊपर क्यों लेकर आते हैं, सामने क्यों ये लेकर आते हैं, क्यों कट करते हैं, क्या होता है ये बेसिकली फ्रेम होती है इतनी बड़ी, उस फ्रेम पर जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, अगर कोई मूवी है XYZ मूवी है उसका नाम लिखा हुआ है, इसके बाद उसमें होते हैं शॉर्ट्स, जैसे कि डायरेक्टर जो है ना एक्टर्स को बुलाता है कि भाई आज है पीर का दिन या आज है इतवार का दिन, आज हमने 2 शॉट्स जो है ना पूरे करने, 2 सीन्स पूरे करने, आप सीन समझने शॉट को जो है 2 सीन पूरे करने, एक सीन है ड्राइंग रूम के अंदर का और एक सीन है छत के ऊपर का, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्टर रेडी हो गया, मेकअप शेकअप हुआ, एक्टर रेडी हो गया, अब जब एक्टर शूटिंग करना शुरू करेगा ना, तो इससे पहले वो ये आपका जो स्पॉट बॉय आएगा और वो फ्रेम को लेकर आके यूं बंद करेगा, उस फ्रेम पे लिखा हुआ होगा XYZ मूवी Scene 1 Take 1, ठीक है। Scene 1 कौन सा भाई, छत के ऊपर छूटे ये Scene 1 है। अब जब एक्टर उसको एक्टिंग कर रहा होगा, एक्टर को सकता है खांसी आ गई बीच में, एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे, एक्टिंग सही नहीं आ रही, तो डायरेक्टर क्या बोलेगा कट। अब वो कट जब बोलेगा तो कैमरा बंद नहीं कर देगा, वैसा नहीं तो जो शूट कर रहा है वो चल मेरा कैमरा काट देगा, ऐसा नहीं, वो क्या करेगा, वो उसको रिकॉर्डिंग होने देगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं रोलिंग, ये रोलिंग अपनी चलती रहेगी, वो दोबारा आएगा बंदा स्पॉट बॉय, वो दोबारा यूं करेगा आगे आकर और उस फ्रेम पर वो मिटाकर जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर होता है ना उससे लिखा हुआ होता है वो मिटाकर लिख देगा Scene 1 Take 2, फिर गलती हो गई तो Scene 1 Take 3। ऐसे ही अगर 50 टेक ले लिए तो लिख देगा Take 50, ठीक है। अब जब ये टेक डायरेक्टर के हिसाब से ओके हो जाएगा, डायरेक्टर अपने पास कॉपी में लिख देगा कि भाई Scene 1 का Take 50 ओके है, ओके। ऐसे ही जब ये एडिटर के पास गई और उसके पास गए 200 सीन्स, अब हर सीन का कौन सा टेक ओके है ये डायरेक्टर बताएगा किसको, एडिटर। अब एडिटर क्या करेगा, उसके पास एक समझ ले 2 घंटे की वीडियो है, उसमें वो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा ऐसे और यहाँ बार बार स्पॉट पर आता रहेगा, Take 5 Take 6 वो यहाँ पढ़ता रहेगा कि कौन सा टेक चल रहा है, तो वो टेक 50 में जब आएगा तो क्या करेगा, टेक 50 से मार्क इन करेगा और उसको एंड कर देगा भाई टेक 50 मैंने यहाँ से फाइनल ले लिया। इससे फायदा क्या होगा, एडिटर को पूरे 4 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है ना। अब ऐसे ही ये सारी कहानी को सुना इसलिए सुनाई कि यहाँ मैंने जीरो से लेकर मैं ये कुछ एक मिनट 18 सेकंड तक ये बंदा यहाँ बैठा था, यानी एक मिनट 18 सेकंड तक इसने बहुत सारे जो है ना वो टेक्स लिए। अगर मेरे पास कोई स्पॉट बॉय नहीं था कि मैं इसको बोलता भाई टेक, तो मैंने क्या एक लॉजिक समझा कि जो सबसे आखिरी वाला टेक था ना इसका वो ओके होगा, इसीलिए मैंने इसको बड़ा करके दूसरा सीन ले लिया इससे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से रिवर्स मार्किंग करूंगा, यानी कि ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, मैंने यहाँ से मार्क आउट किया और ये अब देखो ये मुझे देख रहा है, डेट मींस ये सीन से बाहर है। मैंने यहाँ से राइट एरो से एक एक फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, ये देखा है इसने, यहाँ से मैंने कर दिया मार्क इन, ये इतना शॉर्ट मेरे काम का है, ठीक है। समझ में आ गई yes, इतनी बड़ी वीडियो अब मैंने देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको उठाया क्योंकि इसके अंदर ऑडियो मैंने खत्म कर दी, ऑडियो नहीं है इसके अंदर, तो मैंने डायरेक्ट इसको मैं लेकर आ गया। ऑडियो देखें ब्लैंक है, ठीक है, कुछ भी नहीं, मैंने म्यूट कर दिया था। अच्छा अब मेरे पास एक सीन ये आ गया, अब मैं ऐसे राइट क्लिक करूंगा, नीचे जाऊंगा, रिनेम पर जाऊंगा, इसका मुझे शॉर्टकट याद नहीं है क्योंकि वो शॉर्टकट भी है इसका, और मैं यहाँ लिख दूंगा राइट साइड, क्योंकि ये बंदा अभी राइट साइड पर बैठा हुआ है, अब मुझे ताकि याद रह जाए कि भैया राइट साइड पर बैठा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया राइट साइड, ठीक है। अब मैं दूसरा शॉर्ट लेकर आऊंगा, ठीक है, इसका भी मैं आखिरी वाला शॉट ले लूंगा, मुझे देख रहा है इससे पहले ये, ठीक है, मार्क आउट, जब तक ये मुझे नहीं देखेगा ना, मुझे देखा है, ठीक है, उसको मैं कर दूंगा मार्क, ठीक है, और यहां से मैं इसको देखेगा। अब क्योंकि वही बात है कि मैंने कैलकुलेशन नहीं की हुई थी तो कोई वीडियो बड़ी होगी कोई वीडियो छोटी होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिनेम करके लिख देता हूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा अब मास्किंग क्या है, मास्किंग ये है कि ये लेफ्ट साइड पर बंदा बैठा हुआ है, अच्छा इसके जो नीचे वीडियो है वो कौन सी है, यानी अगर मैं इसको ऊपर से लेफ्ट साइड को हाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगी, राइट दिखेगा, राइट दिखेगा, और ये मैंने ट्राइपॉड अपना बिल्कुल भी नहीं लाया, फर्क सिर्फ क्या है कि गिलास जो है ना इसके अंदर यहाँ आ गया है ये रहा, और ऊपर वाले में गिलास इसके हाथ में, ठीक है, बाकी ट्राइपॉड मेरा नहीं हिला। अच्छा अब लॉजिक क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना हिस्सा चाह रहा हूँ कि दिखे, सही है, और ये बाकी हिस्सा चुप जाए, तो अगर ये सारा हिस्सा चुप जाएगा तो इसके पीछे क्या है, ये बैठा हुआ है, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, समझ में आई, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है और कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा और मैं चले जाऊंगा इफेक्ट कंट्रोल के अंदर, इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद ओपेसिटी के पैनल के अंदर आपको ये तीन आइकन नजर आ रहे हैं, एक पे सर्कल बना हुआ है वो है एलिप्स मास्क, क्या है, दूसरे पे रेक्टेंगल बना हुआ है वो है फोर पॉइंट मास्क, ठीक है, तीसरे पे पेन टूल बना हुआ है यानी वो बिजियर मास्क है, यानी ये दो शेप मास्क है और ये आपका फ्री मास्क है, आप जो सिलेक्शन लेना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इसके अंदर पेन टूल की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे सीधे सीधा काटना है, तो मैं डायरेक्ट इसको पहले सेलेक्ट रखूंगा और सिंपल सा ये वाला मास्क जो है इस पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हुआ क्या, अब मैं नीचे वाले लेयर को जरा हटा देता हूँ, छुपा देता हूँ, बेसिकली ये हो गया, जितना एरिया सेलेक्ट हुआ वो मुझे दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो दिखा दूंगा, बाकी हिस्सा मेरे पास क्या हो गया, छुप गया है, ठीक है। अब नीचे की लेयर मैंने छुपाई थी बेसिकली। अच्छा अब देखिए इसका जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, इसमें देखिए ना हल्का सा फेदर लगा हुआ है, ठीक है, फेदर लगा हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, आप यहाँ जाएंगे, अच्छा जैसे ही आप मास्क को ऑन करेंगे तो देखें यहाँ मास्क वन ऐड हो जाएगा, नीचे इसके नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है मास्क फेदर अभी 10% है, आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऐसा बड़ा मास्क भी कर सकते हैं, ठीक है।
किसी को आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लाइटिंग का फर्क आ गया अगर कि अगर अक्सर मेरे साथ एक मतलब हुआ था तो मैंने एक वीडियो शूट की थी ऐसे ही, मेरे भांजे को थोड़ी भरमबाजी करनी थी अपने दोस्तों में, तो मुझे छत पे ले गया घर की ना, और सैटरडे को आया हुआ था, मैंने ऐसे ही उसका शूट कर दिया। उसमें तीन लोग थे, तीन भांजे थे मेरे साथ बैठे, तो उसमें हुआ ये कि वो लेट हो गया और हमने वो शूट किया, असर की नमाज हमने पढ़ी और हमने शूट शुरू किया। दैट सी बात है कि सन जो है ना सेट होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जो तीनों वीडियोस थी उनमें शेडिंग का फर्क आती है, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ मैंने उन्हें देखा गलती हुई, क्योंकि हमने बोला भाई डे लाइट में शूट तो कर देंगे मगर टाइम हमें रखना चाहिए था जोर का, कि जोर पे तीनों जोर से असर में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो लाइट में इतना फर्क नहीं आता। असर से सूरज क्या करता है डूबना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता, जब डूब जाता है तब अजान मगरिब होती है, या फिर आप रात में करते हैं तीनों ही रात में करते हैं एक जैसी लाइटिंग होती, तो फजर के टाइम पे शूट करना भी खतरनाक है क्योंकि फजर के बाद सन जो है ना वो राइज हो रहा होता है, ठीक है, और असर में भी, तो आप कभी करो डे लाइट में शूट तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा सा फेदर बढ़ा दिया क्या करना, अब मैं कर देता हूँ परफेक्ट, अब मैंने सिर्फ क्या करना है नीचे वाले लेयर को सिर्फ आईज ओपन कर खोल देना बस। अब क्या हुआ कि बेसिकली ये इसके नीचे जो ना ये लेयर है, ये काली हुई है, ये मूव कैसे हो रहा है टीचर, मैं डबल क्लिक करके ऐसे ही मूव कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी से भी उसकी पोजीशन से भी मूव कर सकते हैं, और राइट साइड है ना अगर तो देखो ये राइट साइड को भी आप ये बेसिकली ये चीज होगी, ठीक है, समझ में आ रही है, पीछे मैकेनिज्म ये हुआ हो, तो अगर ट्राइपॉड हिल जाएगा तो फिर यहाँ गैप ज्यादा आ जाएगा, ट्राइपॉड आपने नहीं हिला, ठीक है, इतनी सीन आपको समझ। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखें क्या हो रहा है, इसको जितना भी जूम कर ले आपको फर्क महसूस नहीं होगा, ये देख रहे कोई बीच में निशान विशान कुछ भी नहीं आता, क्यों कि मेरी रूम की जो लाइट थी वो सेम थी एक्यूरेट, ठीक है, दोनों सीन के अब वो क्या हुआ ये आगे चले गया, तो मैं यहाँ से इसको अच्छा सबको एक साथ कट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 लेयर्स हो, आप चाह रहे हो इस स्लाइडर के बाद की सब चीजें कट हो जाए, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके उसको कट करना है, तो देखिए सारी चीजें कट हो जाएंगी, ये भी कट हो गया ये भी कट हो गया सब, ठीक है, ये आपके पास सीधा सीधा एक चीज आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने ये चीज किस तरीके से करी, बहुत मजेदार चीज है और इसको तो मैं कहता हूँ कि आपने खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद आपने करना है, घर में कोई ऐसी जगह हो जिसे कि वो पिलर बड़ा खूबसूरत मिसाल है, ये अगर पीछे आप देखें ये पिलर है, ठीक है, एक पिलर में आप जो है ना पहले यहाँ से गुजर जाएं और वो दूसरी साइड से अपना हाथ दिखा दें, ठीक है, फिर दूसरी मरतबा घुसे तो फिर आप दोबारा वहाँ से निकले ही नहीं, ये पिलर तो खैर बहुत बड़ा है, इस टाइप के सीन्स आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, जो तो इतना छोटा सा पोल होता है वो पोल के इस तरफ बंधा जाता है तो नजर नहीं आता, इस तरह वो बीच में उसने पोल के सेक्टर से उसको मास्क किया हुआ, तो ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हैं और आपने करनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होगा, रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस होगा, बस कैमरा हिलना नहीं चाहिए, कैमरा हिल गया तो सारी मेहनत गई बेकार, ठीक है जी, ये हमने सीखी क्या मास्किंग सीखी, ठीक है, मास्किंग आपने सीख ली, आप इसी मास्किंग को हम एनिमेट भी कर सकते हैं, इसी मास्किंग को हम क्या कर सकते हैं।